सेकेंड ईयर फिजिक्स लेटेस्ट पेयरिंग स्कीम जो कि पंजाब के तमाम बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, सरगोधा बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, बाकी सारे बोर्ड जो हैं जिसमें शामिल हैं। और फिजिक्स में जो है सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका एमसीक्यूज वाला पोर्शन। तो चलें देखते हैं कि एमसीक्यूज जो है किन किन चैप्टरों में से आएंगे। चैप्टर नंबर जो हमारे पास 12 है उसमें से दो एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर हमारे पास 13 जो है उसमें से एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 14 में से दो एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 15 में से दो एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से दो एमसीक्यूज आएंगे, इसी तरह से चैप्टर नंबर 17 में से एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 18 में से दो एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 19 में से एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 20 में से दो एमसीक्यूज आएंगे और चैप्टर नंबर 21 में से जो है दो एमसीक्यूज आएंगे। तो इस तरह से जो है इन चैप्टरों के लास्ट में जो आपको एमसीक्यूज दिए गए होते हैं उन एमसीक्यूज को भी आप अच्छी तरीके से तैयार करें। उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज जो हैं बुक के अंदर से भी वो बनाते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपसे शेयर करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन, यानी कि सब्जेक्टिव पोर्शन जो आपके साथ शेयर करते हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन में हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है, शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसमें आपने टोटल अटेम्प्ट करने होंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 14 में से जो है 4 शॉर्ट क्वेश्चन, इसी तरह से चैप्टर नंबर 15 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप चैप्टर नंबर 12 और 14 तैयार कर लेते हैं तो ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 3 है उसमें भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, चैप्टर नंबर 13 में से जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, इसी तरह से चैप्टर नंबर 18 में से जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर आप जो है 13, 16 या 17 तैयार कर लेते हैं तो ये वाला पोर्शन भी आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किन किन चैप्टरों में से है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास इसमें आपने टोटल जो है 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 19 में से जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 20 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 21 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपको टोटल 5 दिए जाएंगे, 5 में से जो है आपने जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे और हर लॉन्ग क्वेश्चन का ए और बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ए ऑप्शन जो है चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, बी ऑप्शन जो है चैप्टर नंबर 13 में से, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 जो है उसका ए ऑप्शन चैप्टर नंबर 14 में से आएगा, बी ऑप्शन जो है चैप्टर नंबर 15 में से आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का जो है हमारे पास ए पोर्शन चैप्टर नंबर 16 में से और बी पोर्शन इसका चैप्टर नंबर 18 में से आएगा। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ए पोर्शन चैप्टर नंबर 17 में से और बी पोर्शन जो है चैप्टर नंबर 19 में से आएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ए पोर्शन चैप्टर नंबर 20 में से और बी पोर्शन जो है चैप्टर नंबर 21 में से आएगा। और इस तरह से जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन भी कवर हो जाता है। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल आर एजुकेट पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा अगर आप जो है सेकेंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं।